आप देखो ना, समझ रहे हो ना, तो हर लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द है। तो मैंने क्या बोला, अगर पूरा समाज मिलकर किसी इंसान को गाली दे रहा है, क्या दे रहे हैं, तो जब पूरा समाज गाली दे रहे हैं तो आप उसे गाली क्यों दोगे, मत दो भाई। जब पूरा समाज उसे गाली दे ही रहे हैं तो आप मत दो ना, बेचारी की हालत क्या हो रखी है। सोचो पूरा समाज उसे गाली दे रहा है, आप भी उसको गाली दे रहे, गंदी बात, रिस्पेक्ट। क्या करो, उसे गालियां पड़ रही है, रिस्पेक्ट करो उसकी, तुम क्यों दे रहे हो उसे। और जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, तो अपने ऊपर देखो एक बार, कॉन्सेंट्रेट करो। जिसको तुम गाली दे रहे हो उसको और लोग दे रहे हैं क्या? तो अर्थात क्या है, देखो परखो सोचो फिर कुछ बोलो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इन्फॉर्म कर रहे हैं आप लोगों को, बेटा जितने बच्चे आज बैठे हैं आज शाम को एक रिक्वेस्ट है, कंप्लीट कर दोगे? रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, बेटा जितने बच्चे, सब पे मेरा नंबर है या नहीं है? सब पे नंबर है बेटा, नहीं है तो कृपया करके मांग लो क्लियर आस पास से। बात ये है कि लगभग 90% बच्चों के जो क्लास में बैठे, फिजिक्स का एग्जाम हो गया है क्या? बस नहीं हुआ तो इट्स ओके, जिनका हो गया है, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर मेरे को सेंड कर दें सारे बच्चे। माना आप लोगों के क्वेश्चन पेपर आपने मेरे को सेंड करे, उसके बाद भी दोबारा कर दें आज रात को सारे बच्चे। हाँ बेटा, सर कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कर दोगे तो अच्छी बात है, आप ही का भला होगा, नहीं करोगे तो आपका ही घाटा होगा। कर दोगे इतना? दूसरी बात ये, अपने हमेशा हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ काम दिया करो। क्या दिया करो? काम, ठीक है। 11th क्लास में साइंस के स्टूडेंट हो, कुछ काम तो दे सकते हो अपने आप को, 1-2-3। ऐसे खाली जीवन नहीं जाना चाहिए, बस सुबह सो के उठे, खाना खाया, सो के वापस खत्म, जीवन क्या जीवन है यार, कुछ तो नया करो। एक पहलू तो रात को सोच लगे आज कुछ तो नया कराए, पढ़ाई तो करनी है तो तरीके से कर लेते हैं, क्लियर। बात ये है ग्रेविटेशन, क्या पढ़ेंगे आज? बड़े ग्रेविटेशन की शुरुआत करेंगे। बात करें, 6th चैप्टर आपका चल रहा था, बड़े 7th चैप्टर में दूसरे वाले यानी थर्ड वाले बैच में स्टार्ट कराऊंगा, वहां की उस वाली क्लास में स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनका 19 को फिजिक्स का एग्जाम है, तो एक बैच में 8 चैप्टर चलेगा, एक बैच में 7 चलेगा, और दोनों की यूट्यूब पे लगातार रिकॉर्डिंग आती रहेंगी, क्लियर, ताकि दोनों बच्चों को, मतलब उन बच्चों का दोनों चैप्टर क्लियर हो जाए। इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्या बोला मैंने, बड़े 7 चैप्टर में बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसके बाद पहले कौन सा पढ़ाऊंगा? 8, ताकि गवर्नमेंट वाले स्कूल के बच्चों के रिकॉर्डिंग मिल जाए उन्हें। हाँ ना, बोल भैया। दूसरी बात ये, बड़ा 6th चैप्टर जो आप कर रहे थे उसका एक टॉपिक रह गया है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोला? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जो कि मैं संडे की क्लास अरेंज करूंगा उसके लिए, इस संडे नहीं, एक आएगा संडे, उस संडे को अरेंज करके वाला टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, जबकि मैंने पहले वाले बैच में करा दिया वो टॉपिक, क्लियर, आपके बैच में भी करा दूंगा। तो 6th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 7th चैप्टर आप चाहो तो उनके हिसाब से कर सकते हो, और कुछ दिनों बाद आपको कराई दिया जाएगा। 8th चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा आज, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का? एक बात, दूसरी बात ये, बेटा हर चैप्टर के न्यूमेरिकल मैं डाल रहा हूँ, आप देखो कि 2nd के डालना स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे सारे के डल जाएंगे, पर मैं 7th के भी लगातार न्यूमेरिकल डाल दूंगा, यानी जो चैप्टर हमारा चल रहे हैं इसी के न्यूमेरिकल भी आते रहेंगे, तो आप न्यूमेरिकल भी करते रहना, यानी पहले वाले चैप्टर की तो आएंगी वीडियो, पर इसकी भी आएंगी। यानी जैसे कि 7th चैप्टर है, वो एक बैच में थ्योरी चल रही है, दूसरे बैच में थ्योरी स्टार्ट हो गई है और आपका नहीं चल रहा, उसके बावजूद न्यूमेरिकल आएंगे, 8th के न्यूमेरिकल भी डालता रहूंगा, क्लियर, तो आप वो भी देखते रहे। और कोई फरमाइश हो तो बता दें। हाँ ना, बोल भैया। 2nd चैप्टर की सारी थ्योरी पढ़ी हुई है, न्यूमेरिकल जो है डल रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे, जितने भी क्वेश्चन आए वो भी डाल दूंगा, तो 2nd चैप्टर पूरा हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर। कभी जीवन में पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ ना, बोल भैया। बड़े ग्रेविटेशन, क्या बोला? क्या बोला? मन नहीं कर रहा, क्या बोला? थोड़ा गुस्से से बोलो, थोड़ा प्यार से, थोड़ा आंख बंद करके, ग्रेविटेशन। क्या बोला? अब ये ग्रेविटेशन जो चैप्टर है बड़े, ये बिल्कुल 9th क्लास की तरह है। कौन सी क्लास की तरह है बेटा? फिर आगे धीरे, गुस्से से, हमेशा इंसान को गुस्से में रहना चाहिए, प्यार वाली गुस्सा। क्या बोला? कभी करिए क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लड़का बोलता है सर सिंगल है, बुढ़वा मतलब डबल होगा तभी होगी भाई। बेटा पता लगे एक सर्कल बन चुका है, किसने बोला? अर्थात ये हमारे एक सर थे श्रीपाल सर, जब वो बोलते ना इसने बोला, उसके हाथ को पहले तोड़ देते मस्त तरीके से, चुगली बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दुनिया में सबसे तेज फैलने वाला शब्द क्या है? गॉसिप। गॉसिप है, क्या बात कही लड़की, गॉसिप। क्या बोला? मतलब चुगली है ना। इस लड़की को मैंने कुछ कहा इसके बारे में बुरा, कितना खुश हो रहा है, फेफड़े बाहर आ जाएंगे।
तो वो आवाज जो है, जो बात जो कही है, इतनी तेज फैलेगी जितनी तेज कुछ नहीं। बहरहाल गूगल में भी छह ही होते हैं, देखना जरा ध्यान से स्पेलिंग लेटर्स गिनने आते हैं 1 2 3 4 5 6। बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोला? कभी कभार लगता है कि मेरे को दौरे पड़ते हैं, पढ़ते पढ़ते टॉपिक पा जाते हैं। बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ, दोबारा बोलो भाई, थोड़ा तरीके से बोलो ना, फील आता है मेरे को यूनिवर्सल लॉ ऑफ। अभी ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन से क्लास में पढ़ा है? नाइन्थ क्लास में। बेटा नाइन्थ क्लास में आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, पर इलेवेंथ में दोबारा से देखना है इसे डिटेल में। ये लॉ क्या कहती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेटा डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल जी कभी देखा होगा आप लोगों ने, बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अभी यूनिवर्स की बात हो रही है, नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ। क्या है? यानी पूरे यूनिवर्स में ये लॉ जो है वैलिड है, पूरे यूनिवर्स में। मैटर नहीं करता मीडियम कौन सा है, मीडियम है भी या नहीं है, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ये लॉ हर जगह वैलिड होती है। जब इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ। पहली बात तो ये आनी चाहिए। दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रही है, क्या लग रही है? फोर्स। अब ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है। इस लॉ के हिसाब से कहा गया है हर एक बड़ी बॉडी जो है हर एक छोटी बॉडी को खींचती है। एग्जाम्पल दिया था ना, हर एक बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को खींचती है, तो छोटी बॉडी के बैठी रहेगी। मतलब एक्शन का रिएक्शन भी तो पढ़ाया न्यूटन जी ने, छोटी बॉडी भी थोड़ा सा मैं भी खींच लूँ क्या? अरे हाँ ना बोल भैया, माना वो खींच रही है, उसका भी अधिकार है भाई, उसकी फीलिंग डैश, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो यानी अगर एक बॉडी है बेटा दूसरी बॉडी है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगी? फोर्स। यानी कोशिश करेंगे खींचने की। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये फोर्स होगी इक्वल होगी, क्या होगी? इक्वल। यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहरहाल कहती क्या है, फॉर्मूला क्या है, धीरे धीरे बताऊंगा, क्लियर है क्या? कभी आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी सुना है? बेटा कितना होता है? 9.8। अभी ये बात हो रही है अर्थ की, अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होता है। बात करें आप कौन से गैलेक्सी में रहते हो, बताओ बेटा, मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल है या नहीं है? वहां पे तो बहुत ज्यादा ग्रेविटी है भैया। अब ये बोला जाता है कि जो सारी चीजें घूम रही है ग्रेविटी की वजह से घूम रही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। न्यूटन जी ने कहा है जो भी चीजें घूम रही हैं, जो भी हमारे सोलर सिस्टम में है, या फिर जितनी भी चीजें घूम रही है, किसकी वजह से घूम रही है? ग्रेविटी की वजह से। पर ये गलत है, क्योंकि आइंस्टाइन जी ने कहा है कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत थी। स्पेस टाइम में बैंड कर्व आता, क्या आता है? बैंड कर्व। चद्दर वाला बताया ना मैंने एग्जांपल, कभी तो बताया तुम्हारी क्लास में? नहीं बताया। बेटा वो कोने में लड़का बैठा है, वो उसके हाथ में एक चद्दर का एक कोना दे दो, वो कोने में लड़की बैठी है उसके कोने में एक चद्दर दे दो, कोना मतलब चद्दर का कोना। बेटा इधर भी चद्दर का कोना, इधर भी क्या है? चद्दर का कोना, और चद्दर को फैला लिया, बीच में एक मैसिव बॉडी डाल दी, क्या डाली? मैसिव, जिसका मास बहुत ज्यादा है, और कुछ कंचे लिए और ऐसे करके डाल दिए, क्या करेंगे? वो रिवॉल्व करेंगे गोल गोल। तो यह स्पेस है लंबा सा चादर की तरह, उसमें क्या एक मैसिव बॉडी डाली, उसके से बैंड आया, क्या आया? बैंड। तो बैंड आया, उसमें क्या है? बॉडी है, घूम रही है, बैंड की वजह से घूम रही है। ब्लैक होल क्या है? बहुत ज्यादा मास है, तो बीच में होता, क्या होता है? बीच में, तो सारी बॉडी उसी के आसपास तो घूम रही है। अपने डायग्राम में क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत बड़ी होती है, तो लाजमी से ज्यादा खींच रही होगी। 2019 क्या बोला? 2019 में ब्लैक होल की इमेज आई थी पहली। अब बात करें ये हमारी गैलेक्सी की नहीं है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की थी। हमारी गैलेक्सी की इमेज आज तक हम ले ही नहीं पाए, कौन सी? ब्लैक होल की, और गैलेक्सी की भी नहीं पाए, इमेजिनेशन में चलती है जो चलती है। गूगल पे सर्च मारोगे मिल्की वे गैलेक्सी, तुरंत निकल जाएगी बड़ी सी इमेज। अरे ली नहीं आज तक, मैं कह रही मैं जाऊंगी फिर ले। बेटे कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ ना बोल भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीच में क्या है बेटा? ब्लैक होल क्या है? काला गड्ढा। क्या है काला गड्ढा? बेटा काला गड्ढा क्या है? ये रही हमारी अर्थ, और ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। क्या है? पड़े हुए हैं ऐसे प्लेनेट, और बेटा ये क्या है? ऐसे घूमते 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 कभी आके मर जाएगा। यानी ग्रेविटी क्या है? ब्लैक होल में बहुत ज्यादा है, और हर एक मैसिव बॉडी बड़ा दूसरी बॉडी को क्या करती है? खींचती है। यही तो बात है नियम, जो भारी भरकम बॉडी होगी वो क्या करेगी? खींचेगी दूसरी चीज को, सिंपल सी बात है। तो ब्लैक होल क्या इसे खींच नहीं रहा होगा? बिल्कुल खींच रहा होगा। बात के बगल में क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या है? एंड्रोमेडा। उसके बीच में भी क्या है? ब्लैक होल है, काला गड्ढा। हाँ ना बोल भैया। इसकी इमेज 2019 में आई थी, पर इसकी इमेज आज तक हमारे पास है ही नहीं। रीजन क्या है बेटा? रीजन ये, अगर इसकी इमेज लेनी है और यहाँ गैलेक्सी की फोटो लेनी है, तो बेटा यहाँ से स्पेस शटल उड़ के बाहर जाएगा, तभी तो यहाँ से फोटो खींच पाऊंगा। बेटा अगर इसकी इमेज लेना चाहता हूँ, तो पहले बाहर आऊँ इस गैलेक्सी से, तभी तो इमेज ले पाऊंगा। इसकी इमेज है इस गैलेक्सी की, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसकी इमेज ले सकते हैं, पर इसकी इमेज लेनी है जिसमें रहते हो, पहले इससे बाहर तो आओ, तभी तो इमेज ले पाओगे। पर इससे बाहर आ ही नहीं सकते आप लोग,
अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी उड़ोगे ना तो भी खरबों साल लग जाएंगे बाहर आने में, इतना समय नहीं है इंसान पे। हाँ ना, बोल भैया बेरा, हाँ मर जाओगे। बात ये बेटा, ये हमारा यूनिवर्स मान लो बेटा, यूनिवर्स की बात करें, ए रे आवाज नहीं बेटा, आवाज फील है बेटा। एक होती है डार्क एनर्जी, क्या होती है, जो बाहर स्पेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है, खींच रही है। हमारे स्पेस जो है लगातार फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है। अभी ये लगातार फैल रहा है तो कोई तो खींच रहा होगा, कोई तो एनर्जी होगी, कोई तो फोर्स होगी, इसे बोलते हैं डार्क एनर्जी। क्या बोलते हैं, नाम डार्क क्यों है, क्योंकि हम जानते ही नहीं आज तक इसके बारे में, हम जानते ही नहीं है कि क्यों खींच रहे हैं, हम बस खींच रहे हैं। डार्क एनर्जी नाम क्या रख दिया, डार्क, क्योंकि नहीं पता इसके बारे में। बट एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होती है, जो कि स्पेस को बांधने की कोशिश कर रही है पर बांध नहीं पा रही, स्पेस फैल रहा है। क्या कर रहा है, फैल रहा है। इट मींस क्या, फैलने वाली क्या है, फोर्स ज्यादा है, खींचने वाली क्या है, कम है। तो अंदर जोड़ के जो चीजों को रख रही हो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाहर जो खींच रही हो क्या है, आपकी डार्क एनर्जी। हाँ ना, बोल भैया बताओ, हम फैल रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, फैल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा अर्थ फट जाएगी बीच में से, अगर ऐसे ही रहा तो। फैलता रहेगा, फैलता रहेगा, फैलता रहेगा, गैलेक्सी और छोड़ी होंगी, और छोड़ी होंगी, अर्थ छोड़ी होगी, तुम्हारे शरीर आधे आधे हो जाएंगे, अर्थ पहले हो जाएगी, सब मर जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, किसी कारण की वजह से बड़ा सब कुछ सुकड़ना स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, सुकड़ना, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो जाए, सुकड़ेगी, सूटेगी, सुकड़ेगी, और एक पॉइंट पर वापस से आ जाएगी। बिग बैंग तो पढ़ाया ना आप लोगों ने, सारी एनर्जी इतने पॉइंट पर आएगी, फिर से फट जाएगी, फिर सुकड़ेगी, फिर फटेगी, स्टार बन जाएगा खाने का। अरे हाँ ना, बोलो यार, ये सुकड़ना जुड़ना, सुकड़ना जुड़ना चलता रहेगा स्पेस में। हाँ ना, बोल भाई। बात करें ब्लैक होल की, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा ये बताओ, हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी का नाम क्या, दोबारा बोला, मिल्की वे गैलेक्सी। अभी गैलेक्सी की बात करें ना, इस गैलेक्सी से बाहर जाने में करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे, जो कि जा ही नहीं सकते। अभी ये एक गैलेक्सी और है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऐसी कई सारी गैलेक्सी, खरबों गैलेक्सी होती है, कितनी होती है, खरबों अरबों गैलेक्सी, उनको मिला के क्या बनता है, एक यूनिवर्स। और ऐसा एक यूनिवर्स होना है, खरबों अरबों यूनिवर्स है, उनको मिला के क्या बनता है, मल्टी यूनिवर्स। अब एक मल्टी यूनिवर्स थोड़ा है, बहुत सारे हैं, उनको मिला के सुपर मल्टी यूनिवर्स बनता है। अब इसके आगे हम जानते नहीं, अभी जिस दिन जान जाएंगे उस दिन बता देंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है, बहरहाल स्पेस फिजिक्स से चलती रहेगी। बहरहाल ये सब अबाद की बातें हमें पढ़नी नहीं है, सही बात है, नहीं है, हमें तो ये देखना फ्यूचर में कैसे जाते हैं। क्या बोला, फ्यूचर में कैसे आते हैं, काले गड्ढे के आसपास घूमो फ्यूचर में चले जाओगे। क्या बोला बेटा, मजाक नहीं है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अगर यहां रखी तुमने कॉन्सेंट्रेशन, तुम फ्यूचर में, बात खत्म। मान लो ये तुम्हारा सटल है, मजाक नहीं भाई, सटल देख बड़े, दो पंछी है साइड में चोंच जैसे, बड़े उड़ता है और इसके आस, ओए मजाक बेटा, काले गड्ढे की ग्रेविटी में घूमने लगा इसे आसपास। हाँ ना, बोल भैया, एक इंसान ही है, इसकी उम्र जो है कितनी मान ली, 50 साल, कितनी मान ली, ये मेरा दोस्त 48 ईयर का, ठीक है। हाँ ना, बोल भैया, ये सटल में बैठता है और ये जाता है ब्लैक होल की ग्रेविटी के आसपास घूमने लगता है। ये आता है 10-15 साल बाद, मैं हो गया कितना, 55 का, वो 51-52 का ही हुआ है, 51-52 यानी 51-52। टाइम स्लो होता है, क्या होता है, टाइम स्लो। अगर ग्रेविटी आपकी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसके लिए टाइम धीरे बीतने वाला है। तो यानी ब्लैक होल की ग्रेविटी के आसपास अगर घूमोगे तो टाइम क्या होगा आपके लिए, स्लो होगा। एक तरीका ये होता है फ्यूचर में जाने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप जो है ट्रेवल करो स्पीड ऑफ लाइट से 3×10⁸ मीटर/सेकंड, तो भी आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके लिए फिर से टाइम स्लो हो जाएगा। बहरहाल हमें पढ़ना ही नहीं है सर, हमें तो पढ़ना है हर बड़ी चीज छोटी चीज को खींचती है, बात इतनी सी है, खींचती है तो मिला लेना भाई। अरे पर कैसे मिला लेगी, बाहर फैल भी तो रहा है। अभी जो फैल रहा है ये 3×10⁸ मीटर/सेकंड से भी तेज फैल रहा हमारा यूनिवर्स, अर्थात क्या, कभी अंत जान ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, और पढ़ता था, तो हमेशा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है, जिसका आंसर ना मेरे को मिला है आज तक, और ना अभी 50-60 सालों में मिलने वाला। वो क्वेश्चन ये है, ये अंत दीवार क्या है यूनिवर्स की, अगर कोई चीज़ फैल रही है, क्वेश्चन पूरा सुने, कोई चीज़ क्या कर रही है, फैल रही है, फैलती कब है, जब आगे फैलने के लिए जगह हो खाली, तभी तो कोई चीज़ फैलेगी। अरे भाई मैं यहाँ से वहाँ मूव कर पा रहा हूँ, क्यों मूव कर पा रहा हूँ, क्योंकि आगे क्या खाली जगह है। अगर ये दीवार लगे मूव नहीं कर पाऊंगा, या अगर एक्सपेंड हो रहा है तो आगे क्या है, खाली है, और खाली है तो कहाँ तक खाली है भाई, कुछ तो होगा, वो अंत क्या है। और अगर अंत है नहीं तो भैया क्यों नहीं है, अंत तो हर चीज का है, अंत कहाँ है उसका। ज्यादा डीप सोच रहे हो क्या, अरे दिल्ली में रहते हो, विज्ञान में पढ़ रहे हो, पढ़ ले भाई, आओ पी लो, कहाँ स्पेस में जा रहे हो, कहाँ दिल्ली में घूमोगे भाई तुम, बेटा आओ पी लो।
बेटे बस 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 बड़ी चीज छोटी चीज को खींचती है। मान लिया भाई खींच रहे तो खींच लो, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो फोर्स लगती है दो बॉडी के बीच में, जो फोर्स लगती है टुंडी से टुंडी की तरफ लगती है। क्या बोला? सेंटर से सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ मास। मेरी बॉडी का सेंटर पॉइंट क्या है? टुंडी। क्या है? टुंडी। तो ये टुंडी से एग्जांपल है, फील मत लेना घर में आके देख रहे हो वो तेरी टुंडी ये मेरी टुंडी ये डंडा घुसा रहे हो टुंडी से टुंडी की, ऐसा नहीं है। टुंडी बेटा कोई किसी को टुंडी नहीं कहेगा। कई बच्चे मेरे को पता लगता है हर बैच में आते कहते हो ये टुंडी इधर आ, एक दूसरे के नाम टुंडी रख देते हैं, मुंडी टुंडी सुंडी, समझ रहे हो? बस फिर वही बात मैंने कहा था, गुस्से में रहो प्यार वाला गुस्सा हिलो। बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओए टुंडी छोड़ देना बेटा, अब टुंडी रही। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फील कोनी कोनी मारेगा तू उसको, टुंडी में मारी बेटा, ठीक है बेटा बस टुंडी मारेगा तुम, इतना बड़ा हो गया बेटा गुंडा कर दी छोड़ो पढ़ाई कर लो। क्या लिखा है एक बार बोलना? मैंने नहीं पढ़ाना भाई, क्या लिखा है बेटा तुम्हारे के बीच में आगे पान डालूं? क्या लिखा है वो? बात ये है यूनिवर्सल लॉ पूरी यूनिवर्स में वैलिड है, और किसकी लॉ है? ग्रेविटेशन। फील ले बेटा कहती क्या है लॉ, आराम से देखें, हर बड़ी चीज छोटी चीज को खींचती है, बस इतनी सी बात है। बेटा कभी भी यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में दो बॉडी है, कितनी बॉडी है? तो उनके बीच में क्या लगती है? फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स, उसी का फॉर्म बता रहा हूँ। बहरहाल ये कौन सी क्लास में था? नाइन्थ क्लास में। वापस से किस में आए? इलेवेंथ में। क्लियर बात ये, एक बॉडी एरी बेटा, एक बॉडी एरी, ये इस बॉडी का सेंटर है बेटा, ये सी टू लिख दिया। क्या लिख दिया? ये हमारी सेकेंड बॉडी है। ये कौन सी बॉडी है? फर्स्ट बॉडी। बताओ इस बॉडी का सेंटर होगा या नहीं होगा? बेटा ये सी वन है, सेंटर से टुंडी से टुंडी, ओए ऊपर देख टुंडी से टुंडी। बड़ा सेंटर से सेंटर को मिलाओ, इमेजिनरी लाइन है, रियल में नहीं है, डंडा मत डाल देना बीच में। सेंटर से सेंटर एक इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, यानी सेंटर से सेंटर में जो लाइन ज्वाइन हो रही है इसको कॉल लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। बड़ा ये वाली बॉडी पहली बॉडी है, कौन सी है? दूसरी बॉडी। सेंटर से सेंटर की बात करें, बड़ा जो दूरी है आर बोली, क्या बोली? आर। कभी भी जिंदगी में फिजिक्स के अंदर दो बॉडी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो सही तरीका क्या होता है? सेंटर से सेंटर, ये सही तरीका है। ये नहीं बच्चे क्या करते हैं, एक बॉडी है एक बॉडी है, कहीं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करो, यहां से यहां कर लेते हैं, गलत तरीका भाई। सही तरीका क्या है? ये बॉडी एरी, ये बॉडी एरी, इसका सेंटर इसका सेंटर, दूरी ये होगी दोनों के बीच की, ये है सही तरीका। तो अगर ऐसे करोगे एरर आएगा, क्या आएगा? एरर। क्या आएगा? एरर, जो कि आता है। हाँ ना बोल, बहरहाल एरर तो इसमें भी आएगा, तुमने सही मेजर कर, हम कैसे मान लें? वास्तविकता और छलावा के बीच में अंतर प्रतीत होता है, इसको एरर। बड़ा ये बॉडी है, इसका कुछ मास होगा या नहीं होगा? एम वन। बेटा इसका भी क्या होगा? मास। क्या ले लिया? एम टू। यह आता है पहली वाली बॉडी जो है दूसरी वाली बॉडी को खींचना चाहेगी, लाजमी सी बात है। बड़े दूसरी वाली बॉडी जो है ये पहली वाली बॉडी को खींचना चाहेगी अपनी तरफ, तो दोनों एक दूसरे को खींचती हैं। फील है बेटे, यहां लिखा एफ वन, यहां क्या लिखा है? एफ टू। यहां लिख रहा हूं टू, यहां लिख रहा हूं वन, इसका मतलब क्या बताता हूं भाई? बेटे ये लिखा है एफ वन टू, क्या लिखा है? एफ वन टू। बेटे यहां क्या लिखा है? एफ टू वन। बेटा इसका मतलब पढ़ना सीखे। बेटा फोर्स लग रही है पहली बॉडी पे, क्या बोला? फोर्स लग रही है पहली पे, कौन लगा रहे? दूसरी बॉडी लगा रही है। बेटा इसका मतलब क्या है? फोर्स लग रही है सेकंड पे, कौन लगा रहे? यानी फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। यानी ये बताओ यहां पे फोर्स लग किस पे रही है? बेटा किस पे लग रही है? किस पे लग रही है भाई? कौन लगा रहे? यहां किस पे फोर्स लग रही है? कौन लगा रहे? बात इतनी सी है, क्लियर है क्या? अब डायग्राम में फील लो। बेटा ये रही सेकंड बॉडी, पहली बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो पहली पे लग रही है, कौन लगा रहे हैं? तो इधर ही तो डायरेक्शन आएगी। बताओ इसकी बात कहें, सेकंड पे फोर्स लग रही है तो लग रही है भाई, कौन लगा रहे हैं? तो इधर ही तो आएगी डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन द बेटा फर्स्ट बॉडी, कौन सी बॉडी? ड्यू टू बेटा ड्यू टू सेकंड बॉडी। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी बेटे ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, अभी खत्म नहीं हुआ है,
बस बेसिक डायग्राम बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, ये जो फोर्स लगती है सेंटर की तरफ लगती, क्या लगती है? इसको सेंट्रल फोर्स, क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाली है, किसका सेंटर? बॉडी का सेंटर। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। यह तय बड़े, इसका नाम क्या है? क्या लिखा है भाई बड़े? दोबारा बोले, इसका नाम क्या है बड़े? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बड़े? इस लाइन को बोलते हैं बड़े, पीछे 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 पीछे, क्या बोलते हैं इसे बड़े? सी टू मतलब क्या है? बॉडी का सीवन क्या है? मास कितना है? मास कितना है बड़े? क्या है? कौन सी फोर्स है? इतना आया नहीं आया? ये बेसिक बुनियादी बातों की चर्चा है। बहरहाल इससे आगे देखते हैं, फिर लो अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते क्या, अभी ये पढ़ा नहीं है। ओहो तुम्हारी अधूरी बड़े, ऊपर देखें, एक बॉडी है बड़े, इसका मास है एमन, कितना है एमन बड़े? एक बॉडी है, इसका मास कितना है बड़ा? सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है? आर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगती है, क्या लगती है? फोर्स। बड़े फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बड़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, क्या बोला? मास के प्रोडक्ट के। एक बात तो ये कहती है बड़े, दूसरा ये कहती है फोर्स जो है दोनों बॉडी के बीच में ये इन्वर्सली स्क्वायर की होती है डिस्टेंस के। हाँ ना बोल भैया, यानी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। इन दोनों को कंबाइन करके एक नई इक्वेशन बनाओ, क्या आएगी? डायरेक्टली किसके है? m1 के, m2 के बड़े डिवाइड में गए r स्क्वायर, इसे हटाओगे कांस्टेंट आएगा बड़े g, कैपिटल g, क्या आएगा? m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और ये नाइन्थ क्लास में आपने देखा है बड़े, g को बोलते गए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रही है उसका फॉर्मा ये होता है, क्लियर? ये m1 और m2 क्या है? दोनों बॉडी के मास। r क्या है? दोनों बॉडी के बीच की दूरी। अच्छा आता है g की बात करें बेटा, g की वैल्यू होती है 6.67 into में 10 की पावर माइनस 11 बेटा। ये इन MKS सिस्टम है, किसमें? MKS याद है ना, सेकंड चैप्टर पढ़ाया था MKS बेटा। आवाज आ रही है, देख दीवार में कोई लात मार रहा है बेटा। ये CGS सिस्टम, क्या बोला? CGS की बात करें तो बेटा जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 8। इसके यूनिट की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी का स्क्वायर। इसमें बात करें सीजीएस में न्यूटन को डायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे सब बता देंगे। ये कहती है, पर इसे थ्योरी में लिखना भी अभी। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। एक और बात फिर लो बड़ा, जी जो है जी का डायमेंशन भी होगा, डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ बड़ा जी का डायमेंशन होता है m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन फॉर्मूला है, क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। ऊपर देखें भाई बेटा, ये लॉ कहती क्या वो लिखना है, क्या बोला? लॉ कहती क्या है ये लिखना है बेटा, यूनिवर्सल जो आपकी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये इसकी स्टेटमेंट क्या होती है ये लिख रहे हैं। तो लिखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बेटा स्टेट दैट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा स्टेट दैट द, क्या बोला? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा स्टेट दैट द एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, क्या बोला? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, यानी जितनी भी बॉडी है यूनिवर्स में सबकी बात हो रही है। तो एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट बेटा एवरी अदर बॉडी, क्या बोला? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी इन दिस यूनिवर्स। हाँ ना बोल भाई, क्लियर है क्या? विथ फोर्स एफ बेटा, विथ फोर्स एफ, और एफ का फॉर्मूला क्या आपको बता दिया है, क्या बोला? विथ फोर्स एफ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो फोर्स एफ है ना उसकी बात कर रहे हैं बेटा। विथ फोर्स एफ के बाद में लिखें विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस यानी दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट की बात हो रही है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम या बिटवीन बॉडीज, लिख लो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोला, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, डन बेटा। ये स्टेटमेंट है नाइन्थ क्लास की, आपको पता होनी चाहिए, बहरहाल बस पता होनी चाहिए। फिर लो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ऊपर देखें, यूनिवर्सल में जितनी भी बस बेटा यूनिवर्स में जितनी भी क्या है बॉडी है, क्या है बॉडी, वो हम बॉडी की बात कर रहे हैं, उनके बीच में फोर्स लगेगी, क्या लगेगी फोर्स, जो फोर्स होगी वो उन दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली होगी, क्या होगी डायरेक्टली, प्रोडक्ट, यही बोला बेटा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली स्क्वायर की होगी, इन दोनों को मिला के नया फॉर्मूला ये आ गया था, क्लियर, ये लॉ है कहती है और पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी पे वैलिड है। कभी बीच में देख गए हो क्या, बीच पे समुद्र के किनारे गोवा, हुआ बेटा गोवा में कहाँ मजे हैं बेटा, आधा गोवा रशिया से ही भरा हुआ है तुम्हें पता नहीं है क्या, ठीक है बेटा, मैं आज तक कहाँ बेटा, मैं दिल्ली से बाहर नहीं गया, ठीक है बेटा, वहां तो एप्पल मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अरे बस कौन बोला कश्मीरी है बेटा, गंदी बात, कश्मीर की बात नहीं करते, ऊपर देखो, फील नहीं बेटा सारे बच्चे, बात ये है बेटा, यूनिट क्या बोला बेटा, मैंने तो यूनिट लिख दी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, पर ये यूनिट ले एक बार देख भी लेते हैं एक्सप्रेशन, और डायमेंशन मैंने सीधे लिख दिया, पर मेरे को पूरा भरोसा, और ये भरोसा आप लोगों ने दिया है कि आपको डायमेंशन आता नहीं है, भूल गए, आता है कैसे लिखेंगे बेटा, ड्राइव करना आता है, याद डायरेक्ट नहीं है, ये बोल रहा हूँ डायरेक्ट याद है, पूछ लो फिर दो तीन और, ठीक है बेटा अभी पूछता, रुक जाओ बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बोला बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, गलत गलत बेटा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, बेटे सारे चुप रह गए, तो बात ये है आपको देखना है बेटा, यूनिट क्या बोला बेटा, यूनिट मेरी है तुम्हारी है जी की है बेटा, यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी याद रखें, स्मॉल जी की बात नहीं हो रही है, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, कैपिटल जी जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, पूरे यूनिवर्सल में वैलिड है, फिर लें इसकी बात करें यूनिट की, यह आता है फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू जी बेटा एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यूनिट इसकी निकालनी है तो जी इज इक्वल टू में एफ आर स्क्वायर डिवाइड में एम वन एम टू, ये आता है फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन बेटा, आर डिस्टेंस है क्या होगी मीटर, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर डिवाइड बाय केजी, केजी कितना हो गया केजी की पावर टू, तो क्या यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, पर ये कौन सा सिस्टम है, ये इन एमकेएस सिस्टम, अब इसे सीजीएस में निकाल लो बेटा, इन सीजीएस में क्या होगी बोलो जरा, बहुत थोड़ा प्यार से बोलो ना डायन को बेटा, सीजीएस में बात करें डायन, डायन अलग है बेटा, ये फिर मीटर का सेंटीमीटर डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर, क्लियर, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद देखना डायमेंशन क्या देख रहे हैं, फिर लो यही देखो बेटा, डायमेंशन मेरा है तुम्हारा है जी का है, तो डायमेंशन ऑफ जी फॉर्मूला बोलो क्या है, एफ इजिकल टू में जी बेटा एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जी निकालो ये ऊपर मम्मी जी ओए है क्या बेटा, ये क्या लिखा है एक बार बोलोगे बेटा लड़के ऊपर, ये क्या लिखा है आर स्क्वायर, ये था फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है डायमेंशन फॉर्मूला हो गया फोर्स का, ये था आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हुआ एल स्क्वायर, क्लियर बताए, मास की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, कितना हो गया एम टू यानी मास के पावर क्या है दो डायमेंशन है, फिर लो बताओ इससे ये कैंसिल बेटा, एम की पावर वन ऊपर आएगा तो यही देख लो माइनस वन हो गया, या था एल एक एल दो कितने हो गया एल तीन, ठीक कितना है माइनस टू, ये आपका जी का डायमेंशन फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत किसी को, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बेटा, ऊपर देखें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोला,
ग्रेविटेशन की बात हो रही है, आपने स्टेटमेंट भी ले, बेटा नाखून कम कर चबा ले, मस्त स्वाद आएगा भाई, थोड़ा देख फील है कितना स्वाद होता है यहाँ पे ना, ढंग से ऐसे करके काटा कर, और मैं तो कह रहा हूँ दूसरे को भी बुला ले, बेटा गंदी हरकत तो छोड़ दो, यहाँ तक नाखून मतलब क्या कर रहे होते यार, बेटे पीछे लड़कों शांत, ऊपर देखें बेटा ये क्या लिखा है, एक बार बोलना, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेटमेंट आपने लिख लिया है, फॉर्मूला आपने देख लिया है, यूनिट आपने देख ली, डायमेंशन फॉर्मूला भी आपने देख लिया और वैल्यू भी देख ली है, क्लियर है क्या बेटा? इसके बाद में एक शब्द होता है स्मॉल जी, क्या होता है स्मॉल जी, स्मॉल जी का फॉर्मूला आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था बेटा, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी फॉर्मूला आता कैसे वो आपको देखना है बेटा, अर्थ पे जितनी भी बॉडी है, केवल अर्थ पे जितनी भी बॉडी है, चाहे ये बैठा हो इस लकड़ी के लट्ठे पे, चाहे ट्राइपॉड खड़ा है, चाहे कोई भी बॉडी है बेटा, सब पे एक फोर्स लग रही है, क्या लग रही है फोर्स, मान लीजिए इंक की बोतल है बेटा, इंक की बोतल मेरे हाथ में और ये आपको आता है पांच चैप्टर में पढ़ाए, बताइए बोतल जो है इस बोतल का मास कुछ होगा, बताओ वेट कितना नीचे लगेगा एम जी, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा नीचे लगता है, पर फोर्स हमेशा जिंदगी में पेयर में लगती है, किसमें लगती है पेयर में, अगर भैया इसने हाथ में फोर्स लगाई है तो हाथ भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन क्या बोलते हैं, अभी उनसे फील लेना ही नहीं है, बस ये बात कर रही है अर्थ पे जितनी बॉडी है सब पे फोर्स लग रही है, क्या लग रही है नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, उसे वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेट, वेट भी एक फोर्स ही है, कई लोग वेट को मास समझते हैं, बिल्कुल गलत है, वेट क्या होती है फोर्स होती है, जैसे हम दुकान पे कभी कभी जाते बोलते 2 किलो दूध दे दो, ऐसे कभी बोलते हो क्या, अगर बोलते हो तो गलत है, लीटर, कई लोग किलो का यूज करते हैं जो कि करना नहीं चाहिए, फैक्टफुली तो गलत है नहीं, पर करते हैं उसके बाद जीवन में तो बहुत सारी चीजें जो आपको पता है गलत है, करते तो हो ना, और दिल खोल मजा आता है, क्या आता है ये मजे पे कंट्रोल जिसने कर लिया वो बड़ा खेल जाएगा, मजा आता है, अच्छा बताओ एक क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, या एक बात कहें चलो झूठ वाले को चीज मान लो, ये कभी और पूछेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या होगा फिर बेटे, ए नहीं कह रही हमारी मौत निश्चित है, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है बेटा, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सच अपने आप से झूठ बोलना, दुनिया का सबसे बड़ा सच अपने आप से झूठ बोलना, कनेक्ट करो और फील लो इस चीज का, घर जाके समझना आराम से हेलो ए लड़की, बड़े बच्चों पर देखो बेटे, एक टॉपिक का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या बोला बड़े दोबारा बोला टॉपिक का नाम, बड़े फील फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बड़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका दूसरा नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट आज तक करते हुए आए हो आप लोग, 9.8 अर्थ की बात करें तो इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है क्या, फील है, तू क्यों टकरी है भाई, रुक जा, अरे टांग किसे उठाते हैं, फील लो भाई ऊपर देखो, अरे अटक जाती पता नहीं क्यों, ओए ऊपर देख, बच्चों की सोच इतनी अच्छी है ना, दिमाग तो यहाँ यहाँ का लगाते हैं लोग, थैंक यू सर, वाह क्या बात, बस ऊपर देख बड़े पीले बड़े एरिया हमारी अर्थ, अर्थ की बात करें अर्थ की बॉडी का मास होगा ही नहीं होगा, बड़े सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, यानी पूरे प्लेनेट की बात करो कोई भी प्लेनेट हो सकता है बड़ा, उसका मास जो है कहाँ पे कंसंट्रेट होगा सेंटर पे, ये मास ऑफ प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट, बात करें प्लेनेट पे बॉडी एरी बड़े, इस बॉडी का मास है स्मॉल एम, क्या है स्मॉल एम, बताए अगर यहाँ अरफ में देखो ऊपर देखो बड़े बॉडी है इसका मास क्या है एम, ये सेंटर है बताओ बॉडी का वेट कितना होगा एम जी, बड़ा ऑलवेज एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, अरे यही तो फोर्स है, यही क्या है, अरे वेट जो होता है फोर्स होते ही नहीं होती, तो ये हमेशा कहाँ लगेगी नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द मान लीजिए बॉडी यहाँ पे बताओ इसका मास होगा, फोर्स कहाँ लगेगी सेंटर की तरफ, बॉडी यहाँ पे मास एम ए कहाँ लगेगी सेंटर की तरफ, यानी जो अर्थ है सारी बॉडी को सेंटर की तरफ खींचना चाहती है,
हाँ ना बोल भैया, पर खींच नहीं पा रही, रीजन क्या है? कुछ तो होगा, क्यों नहीं खींच पा रही? भैया अर्थ के सेंटर पे क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, ऐसा सोचते हो आप। जीरो होती है, कितनी होती है? जीरो। बिल्कुल गलत है ये। नीचे जाओगे अर्थ के तो भी ग्रेविटी कम होगी, ऊपर जाओगे तो भी क्या होगी? कम होगी। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी नहीं है, प्रूव कराऊंगा, डोंट वरी। जो है अर्थ की सरफेस पे, मैक्सिमम कहां पे? सरफेस पे। अभी बात ये हो रही है, ये नीचे खींचना चाहती है वेट की वजह से, जो कि फोर्स है, पर ये खींच क्यों नहीं पा रही? क्योंकि बेटा साथ में सन भी तो है, उसका मास ज्यादा है। उसका मास क्या है? वो इसे खींचने की कोशिश कर रहा होगा, पर दिक्कत वाली है, खींच क्यों नहीं रहा? क्योंकि बेटा ये सारा जो है सोलर सिस्टम, ये है तो गैलेक्सी में, और गैलेक्सी में बीच में क्या है? काला गड्ढा। क्या है? काला गड्ढा सबको खींच रहा है, ब्लैक होल। क्या है? ये भी देख लो, एक सिंपल सा ब्लैक होल बोलो तो पढ़े लिखे, काला गड्ढा बोलो तो यूपी से अनपढ़ा है, मतलब नॉट यूपी, देखो स्टेट की बात नहीं कर रहे, मैं खुद यूपी का हूँ। काला गड्ढा क्या बोला बड़ा? तो इतना नहीं देखना, बस अभी फील ले लो, इतना आगे आएगा। तो बात ये बड़ा, ये बॉडी है, ये सेंटर है, सेंटर में पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट है, ये बीच की दूरी है आरपी। क्या बोला बड़े? क्या रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट, जो भी प्लेनेट है उसकी बात हो रही है। यह आते हैं इस वाली बॉडी पे, बड़ा नीचे की तरफ फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? एक बॉडी है, एक बॉडी है, बीच की दूरी कितनी है? आर। बताओ दो बॉडी की बात, अरे पूरी बॉडी का मास तो ये रहा ना। अरे हाँ ना बोल भैया, फिर लो अभी हमने पढ़ी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बताओ बेटा क्या होती है? एफ इज इक्वल टू मी बेटा जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही होती है। यहाँ पे बात करें इस वाले डायग्राम में, बेटा एम वन क्या है? स्मॉल एम। एम टू क्या है? मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ, ऐसा मैं मान रहा हूँ, मर्जी आपकी, एम वन एम टू किसी को ही मान लो। ये मास किसका है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ये मास किसका है? मास ऑफ द प्लेनेट। क्लियर बेटा? आर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस दोनों के बीच की। बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे? आर पी। क्या रखेंगे? आर पी। तो यहाँ डाल देंगे, तो फील यहाँ इतना लेना है। बताओ बेटा एफ इज इक्वल टू, बात हो रही है बेटा जी है, बताओ एम वन कितना आएगा? एम। ये था एम टू कितना आएगा? मास ऑफ प्लेनेट। बताओ आर की बात करें, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर पी। तो यह क्या? आर पी का स्क्वायर। बेटा फोर्स की बात करें कितनी होगी? एम जी, जो बॉडी पे एक्ट हो रही है। बेटा क्या एम जी इज इक्वल टू में क्या है? बेटा जी है, एम है, मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट। याद रखना यह मास जो है बॉडी का है, क्योंकि फोर्स जो लग रही है वेट वाली बॉडी पे लग रही है। जिस फोर्स की वजह से आप टिके हो अर्थ पे, जो आपको खींच रही है, वो कौन सी है? आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी एक बॉल लो और पहाड़ पे जाओ, कहाँ जाओ? पहाड़ पे। उस बॉल का ऐसे टप्पा मारो जमीन पे, ज़्यादा उछलेगी, जबकि नॉर्मल जमीन पे यहाँ पे हो प्लेन, यहाँ मारो कम उछलेगी। वही बॉल उतनी फोर्स लगाओ। मान लो यहाँ एक हाथ में बॉल है, सेम बॉल मैंने 5 न्यूटन की फोर्स ला के नीचे धक्का दिया, तो मान लो यहाँ तक आ रही है वापस। अब यही एक्सपेरिमेंट में आकर पहाड़ी पे करूँगा और यहाँ पे धक्का दूँ 5 न्यूटन फोर्स लगाऊँ, ज़्यादा उछलेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर जाओगे ग्रेविटी कम होगी। क्या होगी? कम। बांध के रखने वाली फोर्स कम हो जाएगी, तो ज्यादा बाउंस आएगा आपको। ऐसी मान लो आप खानों में चले जाओ, कोयले की खाने होती हैं, उसमें आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो सेम, तो भी वहां पे ग्रेविटी कम है। जमीन में नीचे जाते हो ग्रेविटी बढ़ती नहीं है, वहां पे भी कम होती है, ऊपर जाओगे तो भी क्या होगी? कम होगी। अब यही एक्सपेरिमेंट जाके आप खान में करो, कोयले की खान में, वहां पर बाउंस ज्यादा होगा। क्या होगा? बाउंस ज्यादा। एक और एक्सपेरिमेंट होता है पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम ऑस्किलेशन वाला। क्या बोला? ऑस्किलेशन वाला, जो कि पढ़ाऊंगा। फॉर्मा याद है तुम्हें? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी, पढ़ाया था नहीं? यह देन टाइम पीरियड जी पे कैसे इनवर्सली, क्या होता है इनवर्सली, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? यह जमीन के नीचे रहने पे कम होगा, बढ़ेगा? कम होगा। जमीन के नीचे रहने पे क्या होगा? कम। तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा। यानी ये कम तो ये ज्यादा। इट मींस अगर आप कोयले की खान में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, किसका? सिंपल पेंडुलम का। फील हो ऐसे, फील हो इसे बेटा, ये रही बॉब, ये आपने पीछे खींच दिया और छोड़ दिया, बताओ ऑस्किलेशन होगा ही नहीं होगा? बेटा यहाँ पे मान लो प्लेन सरफेस में, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस रूम में, मैंने बॉल ये रही, इसका मास कुछ है फिक्स, इसे पीछे खींचा इतना, छोड़ दिया, बताओ ऐसे पूरा जाएगा वापस? आएगा नहीं आएगा? एक ऑस्किलेशन को करने के लिए कुछ समय लेगा ही नहीं लेगा? लेगा। मान लो 5 सेकंड लिए, कितने लिए? 5 सेकंड। अब यही पूरा सेटअप वापस लेके कोयले की खान में चला गया, मैं ही कर रहा हूँ सेम एक्सपेरिमेंट, यानी सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, ही मे गेट द डिफरेंट रेटिंग, एवरी टाइम पढ़ाया तो था। तो बात ये है, वो कोयले के खान में आते हैं, उतना ही पीछे खींचता हूँ जितना कि मैंने ऊपर खींचा था, और छोड़ दूँ, यहाँ से कर दूँ, छोड़ दूँ, ये ऐसे जाएगा वापस आएगा, पर समय क्या लेगा? ज़्यादा या कम? ज़्यादा। क्या लेगा? ज़्यादा, क्योंकि नीचे जाने पे ग्रेविटी क्या हो रही है? कम। तो ग्रेविटी कम तो समय ज़्यादा। अगर यही इसको पहाड़ पे करूँ, कहाँ बोलूँ? पहाड़ पे, पहाड़ पे उतना ही पीछे करूँ, छोड़ दूँ, तो क्या होगा? पूरा ऑस्किलेशन होगा। समय ज़्यादा या कम? ज़्यादा, क्योंकि ग्रेविटी क्या होगी? कम। बहरहाल ये SHM में पढ़ते हैं, पर बता दिया स्टिल। फिर लो SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है?
बड़ा या तो एम से एम कैंसिल, ये मास मेरा था तुम्हारा था बॉडी का था। बड़ा जी का फॉर्म क्या आएगा, बड़े जी का फॉर्म आएगा, बड़े जी कैपिटल जी है यहाँ पे, मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। यहाँ गलती बच्चे ये करते हैं, वो भूल जाते हैं मास किसका है, मास किसका है प्लेनेट का, बॉडी का नहीं है। बड़े रेडियस किसकी है, प्लेनेट की। अब चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो मून हो, चाहे आपकी अर्थ हो, कुछ भी हो, क्लियर, ये याद रखना। हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। और ये फॉर्म आपने नाइन्थ क्लास में भी देखा है। अच्छा, इसे लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं, आप लोग मेन उतारो ये टॉपिक बस, लपेटो। बेटा बगल में ना छोटा सा कहीं एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। बेटे बॉडी एरी मास का एम है, ये सेंटर है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है। बेटे बॉडी इसका मास ये है, यहाँ कितना लग रहा है एम जी। अरे हाँ ना बोल भैया, यानी बॉडी कहीं भी हो सेंटर की तरफ ऐसे लगेगा, क्लियर, जो फोर्स खींच के रखी हुई है, वेट फोर्स ही है। हाँ बेटा, कितनी बेटा एक बात देखो, सुनो बेटा, एक बार सारे बच्चे पेन रोकना, नहीं नहीं सारे बच्चे पेन रोको, बेटा ये तुम पीछे भी दो पेन रोको, ए बेटा तू भी लड़का है ना, बेटा अगर लड़का अपने आपको मानते पेन रोक लो, गुड, बहुत दिनों बाद बोला है, तो बात ये बेटा लड़कियां अगर अपने आपको लड़कियां मानते तो आप भी पेन रोक लो, बेटा लड़की है ना तू पेन रोक। बात ये है, यह तो महीने में कितने दिन होते हैं, कितना लंबा सोचा, कितने होते हैं, अच्छा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, धन्यवाद बताने के लिए। आप एक दिन आते हो क्लास लेने, महीने में कितनी क्लास होती है, 12, कितनी होती है, 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में। संडे कौन सी क्लास हुई तुम्हारी लास्ट संडे, संडे कोई क्लास नहीं होती है, वो संडे मेरा मन होगा तो लूँगा, अदरवाइज नहीं लेता मैं। क्लास कितनी होती है पर वीक, 3, 12, क्लियर। अगर लगाया जाए एक दिन में 1 घंटे पढ़ते हो लगाएं वैसे तो रफली, तो महीने में कितने हुए, 12 घंटे, एक दिन में कितने होते हैं, यानी मैं आप लोगों से एक महीने में आधा दिन मांग रहा हूँ, क्या बोला, एक महीने में आधा दिन, यानी आप पूरे महीने में एक दिन भी नहीं पढ़ रहे हो, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो आप सिर्फ 12 घंटे, आधा दिन एक महीने में, वो भी 1 घंटे आते उसमें ही बातें करो, अरे पूरा दिन पढ़ाते हो बातें करो ना, यानी महीने में आधा दिन दे दो मेरे को, उस वक्त तो ढंग से पढ़ लो, उसके बाद मत पढ़ो ना, किसने रोका है, क्या हुआ थोड़ी आग उल गई क्या, महीने में आधा दिन ही तो है। बड़े बात ये, बड़े ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बड़े फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नजर ऊपर रखना। ये आता है हमारी जो अर्थ है, बेटे स्फेरिकल शेप की थोड़ा है, कैसी शेप की है, थोड़ा ठेठ भाषा में आ रहा है, इलेप्टिकल शेप बोलते, क्या बोलते हैं, थोड़ा इलिप्स जैसे। बड़े एक पोल होता है, इक्वेटर होता है, कभी सुना आप लोगों ने, कभी तो सुना ही होगा। यह आता है जो ग्रेविटी है आपकी, स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह पोल पे याद होगी, इक्वेटर पे याद होगी, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। बड़े जी जो है शेप की बात कर रहे हैं, अर्थ की शेप, अर्थ की शेप, उससे क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्लियर, इसे हम देखेंगे। हाँ ना बोल भैया, फिर लो। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़े जी जो है, ऊपर देख, बड़े जी जो है किस पे डिपेंड करेगा, बड़ा मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट। बड़ा मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड, इसीलिए आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, एक भारी बॉडी है, एक हल्की बॉडी है, दोनों को छोड़ो इक्वल आके गिरेंगी, देखा है ना आपने, क्योंकि बड़ा स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। चाहे बॉडी ट्रायंगल है, चाहे सिलेंड्रिकल है, चाहे स्फेरिकल है, कैसी भी शेप हो, कैसे भी साइज हो, डिपेंड नहीं करता कौन, स्मॉल जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, नोट डालो एक पहले फास्ट, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, पहला पॉइंट। बेटा पहला पॉइंट क्या है लड़कों, पहला पॉइंट है मास ऑफ द बॉडी, और सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखे, बेटा नोट ये, बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट, बेटा क्या प्रेग्नेंट है क्या, ये रुक रुक के खांसी आ रही है बेटा, ये अब ये क्या है,
बड़े फील हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द, डज नॉट डिपेंड अपॉन द, बड़ा फील हो, पहला पॉइंट ऊपर देखिए सारे बच्चे, बड़े पहले बड़े मास ऑफ द बॉडी, क्या बोला, मास ऑफ द बॉडी याद रखना है, मास किसका है बेटा, बॉडी का। दूसरा क्या है, बड़े शेप एंड साइज, क्या बोला, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, नजर ऊपर, बड़े याद रखें बॉडी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बॉडी की। अब फिर लो एक इंपॉर्टेंट नोट ये, बड़ा अर्थ हमारी ये रही नजर ऊपर, बड़ा अर्थ ये है, यहां से एक लाइन कीजिए, यहां से एक लाइन कीजिए, बड़ा ये होता है इक्वेटर, क्या होता है इक्वेटर, इधर क्या होता है पोल, यानी ऊपर पोल है वर्टिकल में और इधर क्या है इक्वेटर है, बड़ा ये क्या है रेडियस, क्या है रेडियस, ये रेडियस मेरी तुम्हारी इक्वेटर की तरफ है, ये क्या है रेडियस पोल की, बड़ा रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ पोल बाय 21 किलोमीटर, बाय 21 किलोमीटर, यानी ये जो है ज्यादा होता है, कितना 21 किलोमीटर, और ये जो है कम होता है, अरे हाँ ना बोल भैया, तो रेडियस जो है इक्वेटर की कितनी होती है, पोल से ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा 21 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ होती क्या है, कोई पूछे तो, नियरली बेटा 6400 किलोमीटर अर्थ की, बस बहुत है 6400 किलोमीटर, बड़े मास ऑफ अर्थ, बड़े नियरली है, फिक्स आंकड़ा दे रहा हूँ, 6 × 10^24 kg, अब मैंने अर्थ को ऐसे तराजू में रख के तोला नहीं है, कई बच्चे बोलते सर आपने कैसे बता दिया, एक नियरली आंकड़ा है, हाँ ना बोल भैया, तो ये बहरहाल रफली आपको पता होनी चाहिए, हमेशा याद भी होनी चाहिए वैल्यू, अर्थ की बात करो इतना तो पता होना चाहिए, बड़ा फिलो पर देखें, यह आते हैं बड़ा जो आ रहे हैं ये इक्वेटर की ज्यादा पोल की है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपसे, बड़ा जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां ज्यादा होगा यहां ज्यादा होगा, यानी बेटा आप यहां पे खड़े हुए हो, आप यहां पे खड़े हो, तो आपके लिए जी की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, और होगी तो ज्यादा कहां पे होगी कम कहां पे होगी, एक बॉल मेरे हाथ में, बेटा इक्वेटर पे खड़ा हूं बॉल को उछाल रहा हूं, बेटा मैं पोल पे खड़ा हो गया बॉल को उछाल रहा हूं, तो क्या आएगा डिफरेंस वो देखना है, फिर लो बताओ जी इक्वल टू क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, बताओ अगर आर ज्यादा है तो जी क्या है कम, बताओ आर किसका ज्यादा है इक्वेटर का, बेटा ग्रेविटी वहां पे क्या होगी कम, यानी ग्रेविटी ज्यादा कहां पे होगी पोल पे, किससे इक्वेटर से, हाँ ना बोल भैया, क्योंकि पोल की आपकी क्या है आर कम है, जबकि इक्वेटर की आर क्या है ज्यादा, तो जहां आर ज्यादा वहां पे ग्रेविटी कम, तो इट मींस ये हो गया यहां पे अगर मैं बॉल को उछालू तो ज्यादा दूर तक जाएगी यहां पे, जबकि अट्रैक्ट रहेगी, क्लियर, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है ज्यादा, नॉट ग्रेविटेशन फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक खल्लू आज, बड़े क्वेश्चन ये, बड़े जुपिटर जो है मास ऑफ द जुपिटर, क्या बोला, बड़ा तीन टाइम से मान लो ऐसा बता रहा हूँ आंकड़ा है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, बड़ा मास ऑफ द जुपिटर 3 times से मास ऑफ अर्थ के, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, हाँ ना बोल भैया, बड़ा रेडियस ऑफ जुपिटर जो है 2x है रेडियस ऑफ अर्थ के, तो ये बताओ बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर पे कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, ये मत बोलना सर गूगल पे तो 5 times दिखा रहे, अरे मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ भैया, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्लियर, फील है, क्वेश्चन डालो बेटा, पहला एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटे, दूसरा आपको होमवर्क दूंगा, उसके बाद अलहमदुल्ला कर दूंगा, अगर तुमने आवाज करी तो क्वेश्चन की बता 3-4 कर दूंगा फिर मैं, इसलिए शांत बैठे रहो, अरे क्या बात है लड़के क्या बात है, बड़े ऊपर देखे हूं, बड़े मास ऑफ जुपिटर, बड़े 2 times ऑफ मास ऑफ अर्थ, बड़े रेडियस जुपिटर की, एक काम करो 3 ले लो, बड़े 2 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, कह रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर पे कितनी होगी, क्लियर, फील लो, बताओ आप लोगों को निकालना क्या है, बड़े जी, बताओ फॉर्मूला क्या होते हैं, जी बड़े मास डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, जिसकी प्लेनेट की बात हो रही है उसका आएगा जुपिटर डिवाइड बाय जुपिटर, यह आता है बेटा ये जी लिखा, बताओ मास ऑफ जुपिटर कितना गिवन है 3 times ऑफ मास ऑफ अर्थ, बताओ रेडियस ऑफ जुपिटर कितने गिवन है 2 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, स्क्वायर करना आता है, ओपन कर लेना बेटा, यहाँ पे क्या है जी, 3 को आगे लिख रहा हूँ 3, बड़े क्या है एम ई, बताओ डिवाइड में कितना आएगा 4 re का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू क्या है
बेटा जी ऑफ ई, अरे हाँ ना बोल भैया बताओ, जी जे इज इक्वल टू में 3/4 बेटा जी, आया नहीं आया, बस क्वेश्चन खत्म। बेटे एक और देखो सेकंड, बेटे मास जो है अर्थ पे, क्या बोला अर्थ का, बेटा 24 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, ये गिवन है, क्लियर। उसके बाद करें रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ बेटा ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ मून, बेटा जी मून पे कितनी होगी आपको निकालना है, क्लियर, ये आप घर से करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना, अल्हम्दुलिल्लाह सबक खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी गड़ा ना पढ़ी गड़ा तेरी मर्जी, कड़ा कड़ा धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।